अगर आपने मिस्टर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर टैप करें और नई वीडियोस के लिए। दोस्तों आज करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट ऑनर 9 लाइट का और साथ में कंपेयर करेंगे एमआई A1 के साथ में और देखेंगे दोनों में से कौन सा यहाँ पे बेहतर निकल के आता है। बैटरी ड्रॉप दोनों में से किसकी जल्दी होती है, यहाँ पे अगर बात करें बैटरी की तो लगभग से सेम है 3000 mAh 3080 mAh शाओमी A1 में। और यहाँ पे एक है मेरे पास इंफ्रारेड टेम्परेचर मीटर जहाँ पे टेस्ट करेंगे दोनों फोन कितना हीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं फ़ोन की बैटरी आपको दिखा देता हूँ ऑनर 9 लाइट की। यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं 39% जो है वो बैटरी बची हुई है। तो देखेंगे गेमिंग के बाद कितनी बैटरी बची रहती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो रियर साइज में है लगभग से आपको जो टेम्परेचर मिलता है वो है 28.4 के आसपास, 26, 27, 28 के आसपास, मैक्सिमम 28 है। अगर बात करें फ्रंट साइड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग से 27 के आसपास जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग सेट कर लेते हैं स्टॉप वॉच को। और ओके तो गेम को रन करते हैं और देखते हैं लोड होने में कितना समय लेता है ये स्मार्टफोन। अभी तक यहाँ पे गेम बहुत सही चल रहा है। यहाँ पे कार जो है ड्रिफ्ट कराते हैं तो हल्की सी आपको फ्रेम ड्रॉप दिख रही होगी और ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, जब आप साइड में बिल्डिंग्स को देखेंगे तब आपको पता चलेगा थोड़ा बहुत आपको जो फ्रेम ड्रॉप दिखेगा। थोड़ा यहाँ पर साउंड क्वालिटी आपको टेस्ट कराते हैं कितनी है मैक्सिमम इसकी, तो कुछ इस तरह से आपकी ऑडियो आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे ठीक है, अगर हम बात करें कंपेयर करें मी A1 से तो उतनी अच्छी इसकी नहीं है ऑडियो आउटपुट, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी आपको लाउड मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स होते हैं साइड में वहाँ पे आपको हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप मिलेगा जब आप गाड़ी को स्किड कराएंगे तब, अदरवाइज आपको कोई यहाँ पे इशू नहीं आता है और ठीक ठाक आप गेमिंग कर सकते हैं किरिन 659 में। तो यहाँ पे हो गया है गेमिंग करते हुए लगभग से 4 मिनट। तो बंद करते हैं इसको और टेस्ट करते हैं यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आपने देख ही ली और टेस्ट करेंगे टेम्परेचर कितना हुआ है। तो अभी अगर हम बात करें फ्रंट साइड की तो कुछ इस तरह से आपको देख पा रहे होंगे लगभग से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होके 32 के आसपास पहुंच गया है टॉप पोर्शन में। बॉटम पोर्शन में लगभग से 26 के आसपास सेम टेम्परेचर है जैसे पहले था। अगर बात करें यहाँ पे रियर साइड की तो आप देख सकते हैं लगभग से 29, और अगर बात करें कैमरे के आसपास तो आप देख सकते हैं लगभग से 30 के आसपास जो टेम्परेचर है वो पहुँच गया, मैक्सिमम यहाँ पर 32 है। अगर हम बात करें बैटरी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है 36 के आसपास, 4 मिनट में 3% का ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें Xiaomi Mi A1 की बैटरी की सबसे पहले टेस्ट करते हैं तो लगभग से आपको मिल जाती है 39% इसमें, वाओ सेम बैटरी। तो चलिए टेस्ट करते हैं गेमिंग करने के बाद 4 मिनट बैटरी ड्रॉप कितना होता है और टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है। अभी चेक कर लेते हैं टेम्परेचर को, फ्रंट साइड में आपको दिखाने की कोशिश करें तो लगभग से आप 23 के आसपास मिल जाता है, और अगर हम बात करें रियर साइड की तो जो टेम्परेचर है वो आपको मिल जाएगा 23 के आसपास। तो करते हैं गेम को स्टार्ट, उससे पहले कर लेते हैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट और गेमिंग में हम लोग चेक करेंगे इसका लोडिंग टाइम कितना है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फास्ट लग रहा है जो लोडिंग टाइम है, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो कैसे यहाँ पे दिखता है आपको तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे थोड़ी देर में।
थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस इम्प्रूव मैं कहूँगा। अगर हम बात करें ग्राफिक्स की तो काफ़ी स्मूथ यहाँ पे रन होता है, जो कि आपको क्रिन 659 में नहीं मिलता। तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, जो स्पीकर की क्वालिटी है वो काफ़ी लाउड है। अगर मैं आपको फुल करके सुनाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना है, तो अभी फुल पे है तो आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं जो लाउडनेस है स्पीकर की वो कैसी है। तो अभी तक काफ़ी स्मूथली गेम चल रहा है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं आ रही है। आप देख के खुद ही जज कर सकते हैं कि आपको क्रिन 659 में कैसे मिलता था ऑनर 9 लाइट में, और यहाँ पे आपको कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है। और हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पे जीपीयू के हिसाब से, तो जीपीयू काफ़ी ठीक ठाक लगाया गया स्नैपड्रैगन 625 में, और काफ़ी स्मूथली रन हो रहा है। थोड़ा सा आपको फ्रेम ड्रॉप दिखेगा, जो यहाँ पे रॉक्स हैं उसको आप अगर देखेंगे तो आपको हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो हो गया है 4 मिनट कंप्लीट। और अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की, तो सबसे पहले चेक करेंगे टेम्परेचर फ्रंट साइड में आपको मिल जाता है 26 के आसपास, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 27 ऊपर की तरफ है। और अगर हम बात करें रियर साइड की, तो लगभग से आपको मिल जाता है यहाँ पे 26, और कैमरे के आसपास अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देख सकते हैं लगभग से 26.4 के आसपास। तो टेम्परेचर यहाँ पे लगभग दोनों में सेम है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। यहाँ पे Xiaomi Mi A1 का टेम्परेचर थोड़ा कम है। और अगर हम बात करें दोनों में गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो Mi A1 का गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और Honor 9 Lite भी यहाँ पे ठीक है। थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स आपको दोनों फ़ोन में देखने को मिलेंगे, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही था गेमिंग टेस्ट, आप खुद अपने हिसाब से जज करिए आपको कैसा लगा, और आपको किस में ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मिलती है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आप देख पाएं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।